मैं किसी वर्ल्ड ट्रिप पे नहीं जा रही हूँ, बट दिस इज जस्ट टू शो यू दैट दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट बैलेंस। युगों से ये धरती ऑर्बिट में एक परफेक्ट संतुलन के साथ घूम रही है, और ये संतुलन धरती का बैकबोन है। वेल, बैकबोन एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही हम उसकी इंपॉर्टेंस को तुरंत समझ जाते हैं, और आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर के बैकबोन यानी कि हमारे स्पाइन के बारे में। एक बार फिर से आपका स्वागत है जॉइंट प्लस में। मैं हूं अंकिता भार्गव, आपकी होस्ट, और आपका स्वागत करती हूं अलोंग विद आर ऑर्थोपेडिक सर्जन हु स्पेशलाइजेज इन स्पाइनल सर्जरीज, डॉक्टर सतीश मूथा जी। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर सतीश का। वेलकम डॉक्टर साहब। थैंक यू अंकिता। वेल, स्पाइनल पेन, स्पाइनल इंजरीज बहुत सुनने में आता है आजकल। सो टू बिगिन विद, हमारे शरीर में स्पाइन एग्जैक्टली क्या है और कहाँ है? चलिए अंकिता, मैं आपको इस स्पाइनल कॉलम की बनावट समझाता हूँ। ये स्पाइनल कॉलम शुरू होता है अपने स्कल के नीचे, और इसका अंत होता है हमारे लोअर बैक में, जिसे हम कमर कहते हैं। जी। इसमें ईट समान लगभग 30 हड्डियाँ होती है। 30। ओके। ईच ऑफ विच इज कॉल्ड अ वर्टिब्रा। जी। और हर दो वर्टिब्रा के बीच में एक सॉफ्ट कुशन, जिसे हम एक नरम गद्दी समझ सकते हैं, वो रहती है, जिसे हम डिस्क कहते हैं। ये डिस्क जेली समान होती है। ये डिस्क हमारे स्पाइनल कॉलम को, जो कि एक लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर है जी, उसे हर डायरेक्शन में मूवमेंट्स देती है। तो मतलब फ्लेक्सिबिलिटी देती है। ओके। यही वर्टिकल स्पाइनल कॉलम है जो हमें हमारे चार पैरों वाले जानवरों से अलग बनाता है। So, मतलब a set of 30 bones, और हर वर्टिब्रा के बीच में ये कुशनिंग है। Yeah, which is called the disc, right? Okay. ये स्पाइनल कॉलम दो प्रमुख जॉब्स करता है। इसका एक मेन फंक्शन ये है कि ये इज अ सस्पेंसरी ऑर्गन, मतलब ये आपके शरीर के अन्य हिस्सों को एक एंकरेज देता है। आपका सर इसके ऊपर है, आपके हाथ यहाँ से लटक रहे हैं वगैरह वगैरह। और इसका दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट जॉब है कि ये हमारे पूरे शरीर का जो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जी, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जो ब्रेन से निकल के शरीर के हर सेल तक जाता है जी, उसे हाउस करता है, उसे कवर करता है। इसे आप अगर इस तरह देखो तो ये एक इंडिविजुअल बोन या वर्टिब्रा है जो एक रिंग के समान है, और इसके बीचों बीच है, ये येलो में जो आप देख रहे हो वो स्पाइनल कॉर्ड है, जिसमें हमारे हाथ की, पैर के और शरीर के बाकी सारे अंगों के नर्व सप्लाई, सो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम कहते हैं। एग्जैक्टली। ओके। सो इन शॉर्ट, ये स्पाइनल कॉलम एक तो मैकेनिकल फंक्शन करता है जो आपको हर तरह का सपोर्ट और मोबिलिटी देता है, आपको हर तरीके से उछलने कूदने का फ्रीडम देता है, और एट द सेम टाइम आपके शरीर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन नर्वस सिस्टम को हाउस करता है। ओके। या कवर करता है। और साहब, कमिंग बैक टू द यंगर जनरेशन, हमारे जो 20s होते हैं, दे फुल ऑफ एनर्जी, बहुत सारे काम करने होते हैं, 18 घंटे काम, 6 घंटे सोना। तो इसी उम्र में जब बैक पेन शुरू हो जाता है तो हमारे लाइफस्टाइल पे और क्या फर्क पड़ता है? देखो, ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड बैक पेन है जी, इसे हम डिजीज नहीं कहते, वी कॉल इट अ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी कोई बीमारी नहीं है जी। ये आपको कोई सिक आदमी नहीं बना देता है, या ये आपको कभी बेड रिडन नहीं कर देगा। ओके। लेकिन ये आपके क्वालिटी ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेगा जी। जी। आप जो 100% जीना चाहते हो, आप मैराथन दौड़ना चाहते हो, आप एक घंटा बैडमिंटन खेलना चाहते हो, आपको ये नहीं करने देगा। सो इट टेक्स अवे फ्रॉम यू। सो इट टेक्स अवे द फुलनेस ऑफ लाइफ, और इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू अदरवाइज वांट टू डू। डॉक्टर साहब, स्कूल के ही बच्चों से शिकायत काफ़ी सुनने को मिलती है कि बैग बहुत भारी है, और स्कूल ख़त्म होते ही घर आते ही सबसे पहली चीज़ होती है ये बैग हटाओ क्योंकि बैग में दर्द हो रहा है। तो ये क्यों होता है?
मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं देखता हूँ ये छोटे नन्हे बच्चे इतने भरे हुए स्कूल बैग्स जी लादे हुए स्कूल जाते हैं, स्कूल बस में घुसते हैं, अंदर झगड़ा झगड़ी करते हैं, मस्ती करते हैं, एक एक दो दो घंटा वो बैग लटकाए घूमते रहते हैं जी। इसके कारण कई बच्चों को बैक पेन और इम्प्रॉपर पोस्चर की शिकायत हो सकती है। इसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि वो कुछ देर बाद इनकंटिन्यूटी बैठ नहीं पाते, वो आधा घंटा एक घंटा बैठते हैं पढ़ाई के लिए तो तुरंत लेट जाते हैं। इसे हम बैकपैक सिंड्रोम भी कहते हैं, जो कि हैवी स्कूल बैग्स के कारण हो रहा है। ओके। और इसे डेफिनेटली अवॉइड किया जा सकता है। इसे अवॉइड करने के लिए कई तरीके भी सजेस्ट किए गए हैं। कई स्कूल्स में लॉकर्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ बच्चों के किताबें स्कूल में रखे जा सकते हैं। ओके। ऐसे सिचुएशन में जैसे कि हम जब स्कूल में घंटों तक बैठे रहते हैं या ऑफिस में घंटों तक बैठे रहते हैं, तो बैक एक अवॉइड करने के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? एक तो हमारे चेयर्स या जहाँ भी हम बैठने वाले हो वो प्रॉपरली डिजाइंड हो। ओके। और सेकेंडली हमें अनवाइंड करना आना चाहिए। ओके। हम जो स्पाइन को हमारे अनड्यू स्ट्रेसेस देते हैं उसे चाहिए वैसा यूज करते हैं तो उसे रिलैक्स करने का भी मौका मिलना चाहिए जी। और स्पाइन को रिलैक्सेशन इज रेस्ट एंड एक्सरसाइज। अगर ये दोनों बराबर मात्रा में मिले तो हम अपने स्पाइन को जी चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। वेल व्यूअर्स, स्पाइन को लेकर ये चर्चा आगे जारी रहेगी, पर अभी समय है एक छोटे से ब्रेक का, तो आपसे मुलाकात होगी राइट आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। सी यू। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉइंट प्लस और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोथा। वेल डॉक्टर साहब, जब आपने एक्सप्लेन किया कि हमारा जो स्पाइन है उसकी एनाटॉमी क्या है, तो आपने कहा कि ये जो सॉफ्ट कुशनिंग है इसे डिस्क कहते हैं। तो अब सवाल उठता है कि मैंने स्लिप डिस्क के बारे में भी सुना है, तो ये स्लिप डिस्क क्या होता है, कैसे होता है एंड व्हाट डू वी डू अबाउट इट? स्लिप डिस्क, जिसे हम हमारे लैंग्वेज में प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिब्रल डिस्क या PIVD कहते हैं, विच इज़ द टेक्निकल नेम। ओके। उसका अर्थ ये होता है कि अगर हम हमारे स्पाइनल कॉलम को किसी गलत तरीके से बेंड कर दे या लोड कर दे। ओके। जैसे हम झुक कर कोई वजन उठा लेते हैं जी, या हम गाड़ी चला रहे हो और हमारी गाड़ी कोई स्पीड ब्रेकर पर जंप कर ले। हाँ जी। या इतनी छोटी सी बात के हम झुक कर कोई चीज़ उठा ले जल्दबाजी में और हमारा ध्यान कहीं और हो। तो इस दो बोन्स के बीच में एक एबनॉर्मल प्रेशर डेवलप होने से ये जो सॉफ्ट कुशन है जी, वो अपनी जगह से निकल के थोड़ा पीछे की तरह शिफ्ट हो जाता है। बट इज इट अ टेम्पररी शिफ्ट या ये परमानेंट शिफ्ट होता है? ये बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे हम किसी टूथपेस्ट को दबाते हैं और वो पेस्ट बाहर आ जाता है, उसी तरह ये जेली बाहर आके पिछले हिस्से में जहाँ हमारे नर्व्स है वहाँ आकर जम जाती है। ओके। अगर इसे समय मिले, अगर इसे रेस्ट मिले, तो यह हिस्सा धीरे धीरे सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है और तकलीफ देना बंद कर देता है। तो मतलब जो दो वर्टिब्राज हैं जिनके बीच की डिस्क शिफ्ट हुई है वो दो बोन्स पास में आ जाती हैं। अगर बहुत ज्यादा मटेरियल बाहर आ जाए तो पास में आ सकते हैं। तो क्या इसे कंप्रेशन बोलते हैं? नहीं, इसे स्लिप डिस्क कहते हैं। कंप्रेशन में बोन की हाइट कम हो जाती है, बोन दब जाता है। okay. ना कि स्पेस बिटवीन द टू बोन्स। ओके। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी स्टेज में ही पता चल गया कि किसी कारणवश स्लिप डिस्क हो गया है, तो इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? देखो, इसका प्राइमरी सिम्टम होता है पेन। डिपेंडिंग ऑन कितना टिश्यू, कितना मटेरियल बाहर आया है, थोड़ा सा पेन से लेके बहुत सीवियर सिचुएशन तक अराइज हो सकती है जी। इसका कॉमनेस्ट सिम्टम इज सीवियर लो बैक पेन, कमर बिल्कुल पकड़ लेती है। बट ये जो पेन है, क्या ये सिर्फ मूवमेंट में होता है, उठते बैठते होता है या इन एट रेस्ट भी होता है? यह पेन आपको लेटने हुए में भी हो सकता है, करवट बदलने में हो सकता है, अगर आपको छींक आ जाए
खांसी आ जाए तो भी बहुत सीवियर पेन हो सकता है. सो कोई भी मूवमेंट जो बैक से रिलेटेड हो बिल्कुल उसके साथ हो सकता है. ओके. अगर यह मटेरियल जो बाहर आ गया है भारी मात्रा में है और अगर स्पाइनल कॉर्ड या नर्व्स पर प्रेशर आ जाए तो आपको यह पेन पैरों में उतरता हुआ नजर आ सकता है. तो क्या ये स्लिप डिस्क मल्टीपल भी होती हैं, 2-3-4? एक्यूट स्टेज में एक वक्त पर एक ही डिस्क होता है, एक साथ में अनेक डिस्क नहीं हो सकते. ओके. लेकिन आदमी के लाइफ में अनेक डिस्क ओवर अ पीरियड ऑफ इयर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं. पर डॉक्टर साहब अक्सर हम कोई ना कोई पेन किलर खाकर पूरा दिन गुजार लेते हैं, दर्द को अवॉइड कर देते हैं, डॉक्टर के पास जाना शुरू भी कर देते हैं तो फिर एक दो विजिट के बाद थोड़े लेजी हो जाते हैं. बट अकॉर्डिंग टू यू एज अ टेक्नीशियन, आप कौन सी स्टेज सजेस्ट करते हैं जब एक पेशेंट को सीरियसली अपने बैकएक को लेना चाहिए और डॉक्टर के पास जाना चाहिए? सी हम स्कूल में पढ़ते थे स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, और आई थिंक इट इज एक्सट्रीमली एप्ट इन दिस सिचुएशन. अगर आपको लगे कि आपका बैक पेन यूजुअल से हट के है, कुछ ज्यादा है, तो आपको फर्स्ट थिंग रेस्ट लेना चाहिए. ओके. ना कि आप उसे खींचते रहे. वेल, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जाने से पहले एक वो स्पेशल मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए. मैं अपने व्यूअर्स से एक ही चीज कहना चाहूंगा कि जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने हर क्षेत्र में, हर स्फीयर में अपनी पहचान बनाई है, उसी तरह स्पाइन में भी काफ़ी एडवांसेस हो चुके हैं. अब हम हमारे स्पाइनल प्रॉब्लम्स को काफ़ी अच्छी तरह समझ पाते हैं, उस पेन का सोर्स लोकलाइज कर पाते हैं, और ड्यू टू एडवांस्ड इमेजिंग मोडालिटीज़ जो हमें अभी उपलब्ध है जैसे MRI और PET स्कैंस, हम अपना डायग्नोसिस बिल्कुल पिन पॉइंट कर पाते हैं. इसलिए अगर आपको बैक पेन सताता है, अगर आपको बैक पेन ज़रूरत से ज़्यादा तंग करता है, तो मेरी राय ये रहेगी कि आप आपके डॉक्टर से मिलें. इसका ट्रीटमेंट काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल होता है और काफ़ी सेटिस्फाइंग. डॉक्टर मूथा, थैंक यू सो मच आप हमारे शो पर आए और स्पाइन रिलेटेड इतनी सारी जानकारी आपने हमें दी. थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, अब लेनी होगी आपसे इजाजत, पर जॉइंट प्लस के अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात जरूर होगी. हमारी कामना आपका आनंदमय जीवन. टेक केयर. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.